क्या नाम है आपका? है रूपा। रूपा, हाँ जी। कहाँ से आए हो आप? शापे। शाहपुर से। हाँ जी। हाँ, शापे। शापे, शापे आपके गांव का नाम है, शापे। अभी बताऊं, आप जो फ्राइडे में अपनी प्रॉब्लम लेकर आए थे, क्या हुआ था? हाँ जी, हूँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ था, लोगों को बताओ ना, क्या हुआ था आपके साथ? पानी भर गया सी पेट च। आपके पेट में पानी से पानी भर गया था? हाँ जी। और डॉक्टरों ने क्या बोला था? उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, पानी कढ़ना पड़ना है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और पानी को निकालना पड़ेगा, है ना? ऐसे बात बनेगी? मेडिसिन से बात, खाने से बात नहीं बनेगी। अभी इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नहीं, मैंने प्रभु ने चंगिया का। नहीं, सुनो सुनो बच्चे, कोई बात नहीं है, प्रभु तो सबको अच्छा करता है ना? तो उन्होंने कहा कि ये पानी निकालना पड़ेगा और ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ जी। जब आप आए तो तकलीफ थी आपको उस दिन? हाँ जी। क्या हो रहा था उस दिन? पेट से दर्द बहुत ज्यादा, दर्द हो रही थी। सुनो ध्यान से जी, सुनो सब, सुनो ध्यान से, सुनो सब जितने, क्या हो रही थी? दर्द हो रही थी। दर्द? हाँ जी। कितनी की दर्द थी? बहुत ज्यादा दर्द, बहुत दर्द थी। बर्दाश्त नहीं होती, बहुत ज्यादा। देखो, बर्दाश्त से भी इसकी दर्द बार थी। बर्दाश्त मतलब समझे, जिसे बोलते हैं हम सही नहीं जा रही दर्द, इतनी दर्द थी क्योंकि पेट में पानी भर गया था और डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने तुझे क्या बताया था, चल लोगों को बता, मैंने क्या कहा था उस दिन कि परमेश्वर आज ही तुझे अच्छा करेगा? हाँ जी। क्योंकि तू आई भी हॉस्पिटल से आई और सीधी यहां पे आ गई, है ना? हाँ उस दिन हाँ जी। जब मीटिंग फिनिश होगी, समाप्त हुई, तो तू लास्ट में मुझे मिली, तो मैंने क्या कहा था तुझे, बोल। यही क्या है कि प्रभु ते विश्वास कर, प्रभु तन चंगा करो, बस यही कहा था। नहीं हो, अभी इतनी जल्दी भूल जाएगी तो शैतान फिर अपनी युक्ति में फंसाएगा। ये सबसे बड़ी लोगों की प्रॉब्लम है। बोलो क्या है? इसलिए लिखा ना, खाली सुनने वाले ना बनो, ये बहुत बड़ी लोगों की प्रॉब्लम है। मैंने इसे एक बहुत बिग बात बताई, उस बात से परमेश्वर ने, देखो इसका ऑपरेशन होने वाला था और परमेश्वर ने इसे क्या कर दिया उसी दिन। मैंने क्या कहा था याद नहीं है? भूल गई, याद रखना, भूलना नहीं। मैंने तुझे कहा था, क्योंकि तू पूरा जब लॉकडाउन हुआ एक साल तो तब नहीं आई, जब तुझे ये बेटा मिला तब आई, खुशी से आई, है ना, कि परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया, और उसके बाद एक बार आई फिर नहीं आई। फिर कल तो तब आई जब तेरे वो प्रॉब्लम शैतान ने तुझे दे दी, है ना, तब आई इतना। और मैंने तुझे कहा था कि याद रखना, मैंने कोई प्रेयर नहीं की तुझ पर। हाँ, कोई प्रेयर की मैंने? कोई प्रेयर नहीं, मैंने प्रेयर की नहीं की, मैंने कोई प्रेयर नहीं की इसके लिए। इसे एक प्रॉफिट वर्ड दिया। क्या दिया इसे मैंने? एक प्रॉफिट वर्ड दिया, एक वचन दिया, तो भूल गई, याद रखना, इसे भूलना नहीं। मैंने तुझे कहा था कि प्रभु तुझे आज ही फ्री करेगा, पर इसके लिए एक कमिटमेंट कर। क्या कर? एक परमेश्वर के साथ एक कमिटमेंट कर, परमेश्वर के साथ एक वादा कर कि जब तक मेरे जीवन में प्राण है परमेश्वर, मैं तेरे साथ चलूंगी, मैं कभी भी तुझसे दूर, याद आ गया? याद आ गया? यही कहा था ना, यही कहा था मैंने कि परमेश्वर के सामने कमिटमेंट कर, एक परमेश्वर के साथ एक वादा करके, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मेरे जान है, मैं परमेश्वर कभी भी आज तेरे से दूर, हाँ, है ना, दूर नहीं होंगी। अगर तू ये बात परमेश्वर के सामने, मैंने कहा था, मैंने कहा ऐसे मेरे पीछे बोल, और तूने बोला भी था, है ना, और जब चीज तूने की और मैंने कहा जा तू फ्री है, ऐसे कहा था ना कि जा तू क्या है, फ्री है तू, उसी दिन दर्द खत्म हो गई थी। हाँ जी। ये देखो, ये देखो, इसलिए कुछ चीजें जैसे प्रेयर करते हैं हर बात के लिए, पर कुछ चीजें परमेश्वर जानता है आपको, उसने कैसे फ्री करना है, कैसे हील करना है, कैसे फ्री करना, कैसे कैसे हील करना है, कैसे आपको अच्छा करना है, समझते हो? ऐसे लिखा, जकूब कहता, जकूब की पत्री में लिखा, वो कहता परमेश्वर कभी भी किसी की परीक्षा, वो कभी भी किसी की परीक्षा नहीं लेता। इंसान अपनी अभिलाषा के कारण उसमें फंसता है, परमेश्वर ना
वो आप किसी की परीक्षा लेता है ना किसी बुरी बातों की, वो किसी की परीक्षा, पर वो अपनी अभिलाषा के कारण उसमें फंसता है और पाप को पैदा करता है और पाप लिखा मृत्यु को पैदा करता है। क्या करता है पाप? मृत्यु को पैदा करता है। अगर सच में जो वचन मैंने इसे दिया शायद आज हॉस्पिटल होती, इसका पेट फाड़ा होता। कहां पे होती ये हॉस्पिटल में होती और सोचती होती कितने दिन लगेंगे, और उसी दिन परमेश्वर ने क्या कर दिया? फ्री कर दिया। क्या कर दिया परमेश्वर ने? उसी दिन फ्री कर दिया। अभी कोई दर्द है? अभी रिपोर्ट नहीं ना कराई? नहीं है, नहीं कराई रिपोर्ट। अभी रिपोर्टें कराना तो फ्री है। मैंने कहा अभी रिपोर्टें कराना, कोई पानी नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं करे होगा। वो महान परमेश्वर, वो जिंदा खुदा है, और लोगों को ये पता नहीं है। बोलो क्या है? ये लोगों को पता नहीं है। अब जो मैंने कहा इस बात पर बने रहना, ठीक है? एक कमिटमेंट है, क्योंकि बाइबल में लिखा अगर तू मन्नत मानता तो उसे पूरा भी कर, नहीं तो ना मान, है ना? एक ये मन्नत ही अपनी चंगाई के लिए जो तूने खुदा के सामने मांगी थी। अब बने रहना, ठीक है? जा, परमेश्वर तेरे साथ है।